हेलो भाई लोग, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसर प्रीडेटर हीलियस नियो 16 की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, इसके साथ मुझे ये वाला कीबोर्ड माउस फ्री मिला है। इसको आज हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके बीच में से हमें मिल जाएगा ये हमारा लैपटॉप, इसे खोलते हैं बाद में। ये कुछ बुक्स वगैरह, ये पता नहीं क्या है, इसको बाद में देखते हैं। इसके बॉक्स में से और क्या मिलेगा, ये मेरे को लगता है इसकी पावर ब्रिक हो गई। हाँ, कितनी बड़ी पावर ब्रिक। ये एक वायर मिल जाएगी, ये कितनी हैवी है, इसकी वोल्टेज है। इसको बाहर निकालते हैं पहले। ये इसकी वोल्टेज है 280 वोल्ट की है भाई, नहीं सॉरी 330 वोल्ट की है। ये देखो 330 वोल्ट की ये पावर ब्रिक, काफी हैवी है भाई। और इसके डब्बे में कुछ नहीं है, बस खाली इतना कुछ ही है। अब इसमें देखते हैं क्या है, फिर लास्ट में लैपटॉप खोलते हैं। ये कुछ हमें मिल जाते हैं, टीम एवल्व बैटल स्टिकर वगैरह लग रहे हैं कुछ। ये हमें एक मैनुअल मिल जाता है इसका, ये भी और ये भी। बस अब आ जाता है हमारा लैपटॉप। जो हमारी मेन चीज है, अरे भाई कितना अच्छा है ये देखने में। ये हमारा रहा प्रीडेटर हीलियस नियो 16। तो अनबॉक्स हमने कर दिया था, अब हम इसको ऑन करेंगे, फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन देखेंगे कैसा रहता है। एक हाथ से इसकी लिड ओपन हो जाती है बड़े आराम से। ये इधर ऐसा, ये अंदर से कुछ ऐसा है हमारा। ये मेरा वेरियंट है i7 के साथ, RTX 4070। इसका 165 Hz रिफ्रेश रेट है, NVIDIA जीन सिंक को भी सपोर्ट करता है ये। अब थोड़ी बात कर लेते हैं पोर्ट्स वगैरह की। इसमें हमें इधर मिल जाते हैं USB में भी 3.2 Gen 2 पोर्ट, एयर वेंटिलेशन। पीछे से कुछ हमें ऐसा मिलता है, ये काफ़ी अच्छी लुक है इसकी। पीछे से ये काफ़ी नंबर वगैरह लिखे हुए हैं इधर। ये इधर प्रीडेटर का लोगो, ये मेरे को अच्छी बात नहीं लगी, ये ग्लो करना चाहिए था। अगर ये ग्लो करता तो और अच्छी लुक लगती इसकी। इधर से कुछ स्टाइलिश वेंट है। इधर एक पावर बोर्ड, HDMI पोर्ट, थंडर वोल्ट के पोर्ट, एक USB C पोर्ट। इसकी खासियत ये है, अगर आपका लैपटॉप बंद भी है आप USB लगाकर अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। अब इस तरह पोर्ट्स हैं, एयर वेंटिलेशन, लैन पोर्ट, USB पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड भी दे रखा है इन्होंने, एक हेडफोन जैक। ये बात होगी हमारी पोर्ट्स की। इसके पहले से हिंज भी काफ़ी स्टेबल है, ये देखो अब इतना नहीं करता जी, काफ़ी अच्छी लुक है भाई साहब। हमने पावर ब्रिक को कनेक्ट कर लिया है, इसकी बैटरी पहले डेड थी, अब ऑन करते हैं इसको।
ये देखिए भाई कितनी अच्छी ग्लॉसी लुक है इसकी। ये इसकी बहुत अच्छी बात है, जब जी ऑन होता है काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। कीबोर्ड देखो भाई इसका, ये सारी लाइटें हम एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैंने यूके में से लिया है, तो मेरे को इधर पड़ा है ये 1,40,000 का 4070 के साथ। पहली बार मैंने स्टार्ट किया, मेरे को सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप कर कर मैं वीडियो ऑन करता हूँ। देख लो, हेलो भाई लोग, आप देख सकते हो हमारा लैपटॉप अब ऑन हो गया है, हमने सेटअप सारा कर दिया है। अब मैं आपको इसकी सिस्टम दिखाता हूँ, ये मेरे पास कौन से वेरिएंट है ग्राफिक कार्ड में और सीपीयू में। ये आप देख सकते हो सीपीयू इसका 13th जनरेशन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर, HX सीरीज वाला प्रोसेसर है ये। इसकी रैम देख सकते हो 16 GB, ये 4800 मेगाहर्ट्ज़ वाली क्लॉक स्पीड वाली रैम है। ये स्लोट को भाई, ये कोई ग्लिच हो गया था, 2 स्लोट ही होते हैं इसमें, दोनों स्लोट में 8 8 GB की रैम है। तो ये हमारा नॉर्मल GPU, ये हमारा एनवीडिया GeForce RTX 4070 लैपटॉप GPU 8 GB का है जो ये लैपटॉप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये आज का हमारा लैपटॉप का अनबॉक्सिंग और रिव्यू था भाई। हमें मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं डेली गेमिंग वीडियो डालता रहूँगा डेली। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।